हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर यू फाइन। नाउ टुडे योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट, सो लेट्स बी स्टार्ट लेसन नंबर 15 ऑफ जीके, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आज हम आप लोगों का लेसन नंबर 15 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपका एक चैप्टर है बेटा, लेसन नंबर 14 आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिया। टुमारो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर, ओके। आज मैं नहीं करा रही हूँ इस चैप्टर को, इसे मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं आपका लेसन नंबर 15 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ले रही हूँ, ठीक है। नाउ फेस्टिवल्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। भारतीय लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के लिए त्यौहारों का बहुत महत्व है ना। हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, हर रिलीजियस के लोग, हर दूसरे, जैसे हिंदू अपना दूसरा फेस्टिवल मनाते हैं, मुस्लिम्स का फेस्टिवल अलग होता है, सिख का अलग होता है ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि भारत में भारतीय त्यौहारों में से अधिकांश धार्मिक हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर रिलीजियस। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग भारत में रहते हैं। ईच रिलीजन हैज़ अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन अ ईयर। प्रत्येक धर्म में एक वर्ष में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, कई त्यौहार आते हैं। इससे रिलेटेड आपकी मैचिंग है और कुछ यहाँ पे 3 टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये करना है आपको। फर्स्ट में आपका है फेस्टिवल नेम, सेकंड है उस फेस्टिवल का रिलेटेड उस स्टेट का नाम जहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। नंबर 1 है छठ पूजा। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बिहार। नंबर 2 बिहू। बिहू इज इन तमिलनाडु, ठीक है। नंबर 3 पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम। नंबर 4 ओनम। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम एंड पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ओके। नाउ चेक इट, इसको चेक कर लीजिए दोबारा, मिस्टेक हो गई बेटा। बिहू जो है आपका वो आसाम में सेलिब्रेट होता है, पोंगल आपका तमिलनाडु में। नंबर 4 ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। गरबा, गरबा कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? गरबा सेलिब्रेट इन गुजरात। कारनी माता फेस्टिवल, कारनी माता फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में सेलिब्रेट होता है, स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान। नंबर 7 हैमिस, हैमिस सेलिब्रेटेड इन लेह लद्दाख। नंबर 8 लोजार फेस्टिवल, लोजार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। नाउ मोतसुमूंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। एंड नंबर 10 सागा दावा इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। नाउ इट्स क्यूज टाइम। अब आपका क्यूज टाइम है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 1 इज करेक्ट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ओके। जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो जो करेक्ट आंसर है सिर्फ आप उसको लिखेंगे, सारे ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन 21 मार्च पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेटेड नवरोज एज देयर न्यू ईयर। 21 मार्च को कौन से रिलीजन के लोग नवरोज सेलिब्रेट करते हैं अपने न्यू ईयर के रूप में? पारसीज, ओके। नंबर 2 हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? नागालैंड। नंबर 3 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसिस अ स्पेशल फीचर। कौन से फेस्टिवल का जो स्पेशल फीचर है वो उसमें नौका दौड़ होती है, नाव की दौड़ होती है? ओनम, ओके। नाउ डू इट इन योर नोटबुक एंड बुक बोथ एंड सेंड मी फॉर करेक्शन।